फ्रेंड्स, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसे हम एक साल तक स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये लगभग ये 200 ग्राम लहसुन है, इसको हमने छील लिया है, और ये हमारी 250 ग्राम अदरक है, इसको हमने छील लिया है। अदरक को हम इस तरह चम्मच से छीलेंगे तो जल्दी छिल जाएगी, और इसके ये जो छिलके निकलेंगे उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमने इस तरह साबुत बड़ी बड़ी कलियों वाला लहसुन लिया है, और इसको हम इस तरह यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे ऊपर से, आसानी से इस तरह छिल जाएगा। और अगर आप इस तरह चाहें छीलना, इस तरह भी छिल जाता है। और आसान तरीका हम आपको बताएं छीलने का, लहसुन को इस तरह दो पीसेस में कट करें और यहाँ से दबाएं और इसको इस तरह निकाल दें, ये निकल गया। और पीछे से भी ये पीछे का हिस्सा है, इसको भी हम इस तरह दबा के और इस तरह निकाल लें, और हमारा ये लहसुन छिलकर तैयार है, अदरक और लहसुन। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए लेंगे ये जार, इसको अदरक को हमने अच्छे से धो के, और इसको इसमें हमें मॉइस्चर नहीं रखना है बिल्कुल भी, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर हमें ये चाय के लिए स्टोर करना है अदरक, तो हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, और अगर हमें सब्जी के लिए स्टोर करके रखना है तो इसमें हम 2 चम्मच नमक डाल के और इसके ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम 1 साल तक फ्रीज़र में रख के चला सकते हैं, और जिसमें नमक नहीं पड़ेगा, जैसे हमने चाय में डालने के लिए अदरक को स्टोर किया है, उसको हम 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं। जैसे आप सब्जी के लिए स्टोर करना चाहें और इसको रखना फ्रीज़र में है, फ्रिज में नहीं रखना है, और ये आपके 1 साल के लिए पेस्ट चलेगा। अगर आप नमक और नमक की क्वांटिटी कम नहीं करनी है, 2 चम्मच इसमें नमक हमें डालना ही डालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अदरक का पेस्ट बन गया है। अब हम इसे ऐसे किसी डिब्बे में बंद करके और इस तरह इसे फ्रीजर में रख देंगे, स्टोर कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे लहसुन का पेस्ट। हमने लहसुन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा और डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लहसुन का पेस्ट बन गया है। इसी तरह हम किसी डिब्बे में लेके इसको भी हम फ्रीजर में रखेंगे, और इसे आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।